The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? Sister Anne. Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहि सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं. मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ. तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है. मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे. बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है. मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राहीम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है. जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है.